हेलो डॉक्टर केलकर जी साहब, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं खुद के ऊपर विश्वास करना। यह एक प्रवृत्ति है, एक वृत्ति और वो होनी चाहिए। देखो, आपको सफलता मिलानी है जिंदगी में या कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए अपने खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। देखो, होता क्या है कि हम हमारा जो बर्ताव रहता है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे जो विचार है, सब हमारे अतीत से आते हैं या भूतकाल से आते हैं। मेरे भूतकाल में मुझे यहां अपयश मिला, इसने मुझे ऐसा बोला, यहां मैंने धोखा खाया, यहां मैंने बराबर काम नहीं किया, मैं घरा हूं, मुझे अकल नहीं है, मैं छोटा हूं, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ये क्या है? ये सब पूरा आ रहा है अतीत से, पास से आ रहा है और हमारा पूरा उसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि अभी ये जो है इसके वजह से मैं जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। आपको ये देखना है कि कोई भी हाल में कुछ भी हो जाए, आपको पहले अपने ऊपर विश्वास डालना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई जो भी हुआ वो अतीत का है, उसका आज कोई संबंध नहीं है। मैं भविष्य के लिए क्या कर सकता हूं, भविष्य के लिए क्या प्लानिंग कर सकता हूं और भविष्य में मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई कांट, ये जो एटीट्यूड है ये मुझे तोड़ना पड़ेगा। आई कांट मतलब आई कैन नॉट जो है, तो कांट जो है आई सी एन एपोस्ट्रोफी टी, वो आई कांट का टी तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आई कैन करना पड़ेगा, एवरीथिंग आई कैन डू इट। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी ये संभव है, तो फिर जो भी आपको संभव है, ये आपके विचार है, ये आपका विश्वास है, आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो और वो आप गिव अप कर रहे हैं कि आई कैन नॉट, वो आप गिव अप कर रहे, छोड़ रहे, तो देन एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ना अतीत के ऊपर विश्वास रखना, ना अतीत से आना या पास के जो अपने एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, उसके ऊपर विश्वास रखना या वहां से आना, या मैं इतना केपेबल नहीं हूं, मैंने पास्ट में अतीत में मैंने धोखा किया है, धोखा खाया है या असफलता मिले, इसलिए मैं कर नहीं सकता हूं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। स्वर्णम आई कैन नॉट ये छोड़ के एवरीथिंग आई कैन, ये भी आपने किया, खुद के ऊपर विश्वास और मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ये रखा तो डेफिनेटली आपको कोई भी चीज मिल सकती है। तो मैं कर सकता हूं, आई कैन, ये आपका एटीट्यूड रहना चाहिए और जिंदगी भर आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि मैं कर नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट। तो आपकी जिंदगी उसमें मत वेस्ट करो, बर्बाद मत करो कि मैं नहीं कर सकता हूं, सब कुछ आप कर सकते हो और ये आसान है, कोई भी चीज ये आसान है, इट इज वेरी इजी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जो आप बोलेंगे वो होगा, यदि आपने बोला ये डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट है, यदि आपने बोला ये आसान है तो ये आसान है, ये मैं कर सकता हूं तो ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं ये नहीं कर सकता हूं, तो आपका समय इसमें बर्बाद मत करो कि मैं नहीं कर सकता हूं। दूसरा और एक महत्व का जो है वो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को क्या लगता है कि आप कर सकते कि नहीं कर सकते, इसमें समय गंवाने में कोई मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, मैंने एक अच्छी चीज ठान ली, तो मैं लोगों को जाके पूछता हूं कि क्या मैं करूं, क्या मैं नहीं करूं, क्या मैं कर सकता हूं, वो उनका बिजनेस है नहीं, वो उनका एक मत है, वो मत वो दे सकते हैं कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपने करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो लोग आपको कुछ भी बोले कि आप करो ना करो, कर सकते हो ना कर सकते हो, आपने ये मन में ठान लेने का है कि यस आई कैन डू दिस और ये आसान है, ये संभव है। यदि आप ये देखते हो, हर चीज की तरफ देखने का आपका रवैया नजरिया ऐसा है, तो डेफिनेटली हर चीज में आपको यश सफलता मिलेगी। एक गुब्बारे वाला एक चौक पे खड़ा रह के गुब्बारे बेच रहा था, वो अलग अलग रंग के गुब्बारे बेच रहा था। छोटे छोटे बच्चे उसके पास में आते थे, बोलते थे चाचा मुझे वो लाल रंग का गुब्बारा दे दो ना, बोलते बोल देते 5 रुपए, वो लाल रंग का गुब्बारा उसको देता। फिर दूसरा लड़का आता बोलता पीले रंग का गुब्बारा दे दो ना, वो पीला रंग का गुब्बारा उसको 5 रुपए लेके देता। ऐसे अलग अलग गुरुगुरु के बच्चे आते थे और वो वहां से गुब्बारा लेकर जाते थे। फिर वो गुब्बारे वाला देखता था कि सब लड़के चले गए, फिर और उसमें वो हीलियम गैस भर के वो गुब्बारे ऐसे साइकिल के वो जो रहता है डांडा उसको लगा के रखता था, वो गुब्बारे हवा में उड़ते हुए देखते, दूर दूर के बच्चे आते थे
और गुब्बारे ले जा और वो गुब्बारे लेके जा रहे थे। एक छोटा सा काला सा लड़का वहां बहुत समय से खड़ा था, वो देख रहा था कि दूर दूर के बच्चे आ रहे हैं और अलग अलग रंग बिरंग के गुब्बारे लेके जा रहे हैं। वो खुद काला था, उसने पूछा, अंकल ये आपके पास का काले रंग का गुब्बारा ऊपर जाएगा क्या? क्योंकि काले रंग का गुब्बारा इसने खरीदा भी नहीं था और उसने उसमें हीलियम भी भरा नहीं था। वो गुब्बारे वाला हंसने लगा, बोले बेटा गुब्बारे का हवा में ऊंचा जाना या नहीं जाना वो उसके रंग के ऊपर निर्भर नहीं है, कि वो काले वो लाल रंग का है कि काले रंग का है कि पीले रंग का है कि सफेद रंग का है, वो गुब्बारे में हम क्या भर रहे क्या ठोस रहे उसके ऊपर उसका हवा में ऊंचा जाना या नहीं जाना निर्भर है। आदमी का इंसान का अपनी जिंदगी में ऊंचा जाना या नहीं जाना ये उसके रंग के ऊपर, वो देहात का है कि शहर का रहने वाला है, उसके माँ बाप अमीर है क्या, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका लग कैसा है, मतलब कुछ भी, उसको काला रंग का है कि गोरा रंग का है, उसको लोग सपोर्टिव है कि नहीं सपोर्टिव है, एजुकेटेड है कि नहीं एजुकेटेड, कुछ भी संभव मतलब कुछ भी इसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है, वो एक ही बात के ऊपर निर्भर है कि आप ये सोचते हो कि यस आई कैन डू इट और ये आसान है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक के पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।